दोस्तों, मैं कैप्टन भावेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने द स्ट्रगलर चैनल पे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि FTII के बारे में फुल डिटेल एक वीडियो बनाइए, तो आज की वीडियो FTII के ही बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं शुरुआत करता हूं एक बहुत ही खूबसूरत लाइन से। Talent works only in the first film, but in the second film, an actor need to show how much he know about the craft, and that comes through training. ये सारी चीज, जितनी भी आपकी exercise है, वो सब कुछ आपकी training से ही आएगा। इस quotation का मतलब यही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि why is important FTII to join। देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि FTII से अगर आप pass out हुए हैं, तो मान लो कि आप एक प्रोफेशनल एक्टर हो, आप एक ट्रेंड एक्टर हो। ये FTII आपको सर्टिफिकेट दे देता है कि आप एक्टर हो, ओके? और अगर आप FTII से पास आउट हो रहे हो, तो आपको उसमें डायरेक्शन सिखाया जाएगा, आपको उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको उसमें सिनेमेटोग्राफी सिखाई जाएगी, एडिटिंग सिखाई जाएगी, साउंड ट्रेनिंग सिखाई जाएगी और आर्ट डायरेक्शन भी सिखाया जाएगा। तो मतलब आप अगर फिल्म इंडस्ट्री में ही, पूरे किसी फिल्म इंडस्ट्री में कोई भी काम करना चाहते हैं, तो आपको वो FTII सर्टिफिकेट दे रहा है कि आप जाइए कर सकते हैं कोई भी काम। तो अब बात करते हैं FTII के इंट्रोडक्शन के बारे में। अभी तक तो मैं FTII बोल रहा हूं, बट FTII का फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये बेसिकली इंडिया के महाराष्ट्र के पुणे में एस्टेब्लिश है, जो कि 1960 में हुआ था। और इसका जो पहला कोर्स है वो 1961 में स्टार्ट हुआ था, और करेंट टाइम के चेयरमैन हैं शेखर कपूर साहब। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि पुणे में प्रभात म्यूजियम है, उसी में ये इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश है। और FTII की सिर्फ एक ही ब्रांच है जो कि पुणे में है, बट इसी से एक और इंस्टीट्यूट कोलैबोरेट किया हुआ है, जिसका नाम है SRFTII, मतलब सत्रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि बेसिकली कोलकाता में एस्टेब्लिश है। बट अगर आप एग्जाम देते हैं FTII का, तो आपको ट्रेनिंग का करने का मौका मिलता है SRFTII से भी। तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री FTII के बारे में, बट अब मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, जिसको सुन के आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं आपको दिखाने वाला हूँ, बेसिकली बताने वाला भी हूँ, साथ में दिखाने वाला भी हूँ। ये है FTII का मेन गेट। अगर आप FTII में एडमिशन ले रहे हैं, तो ये वही गेट है जिस गेट से आप एंट्री करोगे अपने सपने को पूरा करने के लिए। दूसरी पिक्चर मैं आपको शो करने वाला हूं, दूसरी पिक्चर है FTII की बिल्डिंग, जहां पे आप पढ़ाई करोगे, जहां पे आप स्टडी करोगे एक्टिंग की। ये वही रूम रहेंगे, ये वही बिल्डिंग रहेगी जहां पे आप सीखोगे। तीसरी पिक्चर मैं आपको शो करता हूं FTII की कैंटीन, जहां पे आप अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फेमस जो बड़े होके स्टार बनेंगे, उनके साथ आप यहां पे कैंटीन में समोसे खाओगे, ब्रेड पकोड़े खाओगे, जो भी वहां मिलेगा वो आप खाओगे। तीसरी पिक्चर मैं ऑडिटोरियम की शो कर रहा हूँ। यही वो ऑडिटोरियम है जहां पे आप परफॉर्म करोगे। सोचो कि अगर जब भी आप एडमिशन लोगे, तो यही वो ऑडिटोरियम रहेगा जहां पे आप परफॉर्म करोगे। फिफ्थ पिक मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये वो पिक है जहाँ पे आपकी वर्कशॉप चलेगी, जहाँ पे आप अपने दोस्तों के साथ, अपने टीचर्स के साथ वर्कशॉप लोगे, ट्रेनिंग करोगे एक्टिंग की, डायरेक्शन की, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है। तो आप चाहें तो ये सारी पिक का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहा हूँ, कोर्स के बारे में, जिससे आपको जानना जरूरी है कि क्या क्या कोर्स FTII में चलता है। सबसे पहले तो FTII में दो विंग है, एक टीवी विंग है और एक फिल्म विंग है। तो सबसे पहले हम फिल्म विंग की बात करेंगे। फिल्म विंग में 7-8 कोर्सेज हैं, एक एक करके मैं बात करता हूँ। डायरेक्शन एंड स्क्रीन प्ले, दूसरा है सिनेमेटोग्राफर का, एडिटिंग का है, साउंड रिकॉर्डिंग का कोर्स है, आर्ट एंड डायरेक्शन का कोर्स है, स्क्रीन एक्टिंग का कोर्स है, और लास्ट है स्क्रीन राइटिंग का। और अब मैं बात करता हूँ टीवी विंग के बारे में। टीवी विंग में डायरेक्शन का कोर्स है, एडिटिंग का कोर्स है, सिनेमेटोग्राफर का कोर्स है, और साउंड रिकॉर्डिंग का कोर्स है। टीवी में ये 4 कोर्स हैं, और फिल्म विंग में 7-8 कोर्स थे। और अब मैं इसी के साथ आपको इसके फीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बताना चाहता हूं। मुझे लगा था कि हर एक कोर्स की फीस अलग अलग होगी, बट जब मैंने चेक किया तो सारे कोर्स की फीस सेम है, 1,29,000 के समथिंग आसपास थी। तो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूं, अगर आप देख रहे होगी, सारे कोर्सेज की फीस सेम टू सेम है। अगर आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो, तो आपको एक ही फीस देनी पड़ेगी। और ये तो रहता है कि अगर आप एडमिशन ले रहे हो, तो आपको एक साल ये पूरा
जितने भी कोर्स हैं उन सब की बेसिक नॉलेज देंगे और सेकंड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन देंगे किसी एक कोर्स में। अगर आप डायरेक्शन में इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट ईयर जब मतलब सेकंड ईयर आपको वो डायरेक्शन में ही स्पेशलाइज कराएंगे, और अगर आप एक्टर बनना चाहते हो तो आपको स्पेशलाइजेशन देंगे एक्टिंग की। तो अब हम लोग ने बात तो कर लिया कि कोर्स किस किस टाइप के हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिशन प्रोसेस की, ये तो कोर्स हम जान गए हैं बट एडमिशन कैसे लें इस कोर्स के लिए। देखो, तो सबसे पहले FTII आपको एक एंट्रेंस एग्जाम कराता है। उस एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको उस एंट्रेंस एग्जाम उस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा जिसका नाम है ज्वाइन इंटरेस्ट टेस्ट। आपको ये एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका सेकंड राउंड रहेगा इंटरव्यू का, आपको फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप जाके एडमिशन ले पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी की, कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो FTII ग्रेजुएशन मांगती है कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और जो नेक्स्ट है आर्ट ऑफ डायरेक्शन, अगर आप ये कोर्स करना चाहते हो तो आपको बैचलर डिग्री चाहिए आर्ट डिपार्टमेंट में या आर्किटेक्चर में या इंटीरियर डिजाइन में या फिर पेंटिंग में, कि आप इन सब चीज में अगर आप बैचलर डिग्री है आपके पास तभी आप जाके आर्ट एंड डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हो। और एक्टिंग के लिए आपको ग्रेजुएट होना ही पड़ेगा, इसमें कोई ये नहीं मांगा गया कि आपको 10 प्ले किए रहने चाहिए या 7 प्ले किए रहने चाहिए जैसे और सारे इंस्टीट्यूट में मांगा जाता है, जैसे NSDY, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एडमिशन फॉर्म कब आता है। तो इसका फॉर्म मई के फर्स्ट वीक में आता है, रिलीज हो जाता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, और थर्ड वीक में आपको मई के थर्ड वीक में आपको सबमिशन करना है, मतलब एक डेट होगी, थर्ड वीक से पहले ही आपको इस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना पड़ेगा। और फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपको एंट्रेंस एग्जाम होगा FTII का, फोर्थ वीक ऑफ जून में आपको रिजल्ट मिल जाएगा कि आप क्वालिफाई हो कि नहीं क्वालिफाई हुए हो, और फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में आपका इंटरव्यू होगा, और फोर्थ वीक ऑफ या थर्ड वीक ऑफ जुलाई में आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बातों बातों में मैं ये बताना भूल गया कि जो इसका एंट्रेंस एग्जाम की फीस होगी, मतलब एक रजिस्ट्रेशन फीस होगी, वो 4000 रुपीज होगी, आप तभी उस फॉर्म को फिल कर पाओ। जो फॉर्म फिल करने की फीस होगी वो 4000 होगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि हॉस्टल एंड आपकी सेफ्टी, आप अगर एडमिशन ले रहे हो तो आपको वहाँ पे हॉस्टल भी मिलेगा, आपको रहने और खाने का सब चीज़ की आपको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलेगी, आपको मेस मिलेगा, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपको वहाँ रूम जाके ढूंढना पड़ेगा या कुछ भी, बस आपको एडमिशन मिल जाए बस कैसे भी। और नेक्स्ट है कि इस FTII के एलुमनाई के बारे में, कि कौन कौन से फेमस एक्टर या डायरेक्टर यहाँ से पास आउट हुए हैं। सबसे पहला नाम, आज का फेमस नाम, राजकुमार राव। दूसरा नशीर साहब, सबाना आजमी, राजकुमार हिरानी साहब और ओमपुरी साहब, मिथुन चक्रवर्ती, शत्रुघ्न सिन्हा, डेविड धवन, जया बच्चन, जयदीप अहलावत, प्रकाश झा, सतीश कौशिक और मुकेश खन्ना, हमारे अपने शक्तिमान। लास्ट में कॉन्टेक्ट बताने से पहले मैं आपको एक बुक रिकमेंड करना चाहता हूँ, कि ये जो बुक है वो कैट मैट जेट और बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए है, अरुण शर्मा की ये बुक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मुंबई जाना बहुत ही मुश्किल लग रहा है इस साल के एंड तक, और मेरा भी एक ड्रीम था कि मैं MBA करूं, और ये अभी मुझे राइट टाइम लग रहा है कि जो कैट का एग्जाम होता है वो नवंबर में होता है, और अभी मेरे पास 6 से 7 महीने इस प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं साथ ही साथ कैट की भी प्रिपरेशन कर रहा हूं कि जैसे मेरी हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाए, और इसीलिए मैं अरुण शर्मा की ये बुक पढ़ रहा हूँ जिसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है, DI है और क्वांट्स से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हो जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग भी अभी घर पे बैठोगे लॉकडाउन हो, तो साथ ही साथ आप अपनी हायर एजुकेशन की तैयारी भी करते रहिए। ओके गाइस, आप चाहे देख लो जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो बेसिकली हायर एजुकेशन कंप्लीट करके आते हैं, चाहे जॉन इब्राहिम हुए, चाहे के मेनन हुए या रणवीर हुड्डा हुए, तो ये सब लोग हायर एजुकेशन कंप्लीट करके ही आते हैं। मोर डिटेल्स के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके पूरी डिटेल ले सकते हो। अब हम मूव करते हैं कि अगर आपको कॉन्टैक्ट करना हो FTII को तो कैसे करोगे। सबसे पहला कि मैं ये एक आपको स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ डिटेल, अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कॉन्टैक्ट करना है तो आप इस नंबर पे या इनकी इस मेल ID पे जरूर जाके कॉन्टैक्ट करना। दूसरा, मैं आपको इनका एड्रेस शो कर रहा हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है या आपको विजिट करना है FTII तो आप जाके इस एड्रेस पे इनके स्कूल या इंस्टीट्यूट में आप विजिट कर सकते हो। दूसरा, मैं आपको इनका नंबर दे रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर दे रहा हूँ जहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप इनसे बात कर सकते हो। और लास्ट में मैं आपको इनकी वेबसाइट दे रहा हूँ जहाँ पे आप इनको विजिट करके आप इनकी पूरी डिटेल ले सकते हो, आपको सब कुछ मिल जाएगा कि आपको कैसे एडमिशन लेना है, क्या करना है, क्या कोर्स है, क्या फीस है, सारी चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी। तो बस ये आज एक छोटा सा वीडियो था FTII से रिलेटेड, आई होप आप लोग को सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आई तो आप मुझे अपना क्वेश्चन पूछेगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करके आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।
तो ओके गाइस, तो बस ये आज छोटी सी वीडियो, और चाहते जाते आप इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।